सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नसीब कुंगड़ पे। दोस्तों, आज दिखाते हैं आपको पशुओं के खुर कैसे बनाए जाते हैं। जिन पशुओं के खुर बढ़ जाते हैं, नीचे जत्था बन जाता है जिसे डील बोलते हैं, वो बनाने के लिए हमें सब इस तरीके से काम करना पड़ता है। और दोस्तों, जो ये भैंस देख रहे हैं आप, गाड़ी पे लेटा रखी है और इसके डील है ना, बहुत ही टाइट डील है। क्यों? जो ये मौसम होता है ना, मई जून जुलाई का, बहुत हार्ड धूप पड़ती है जिससे पशु के खुर हैं बहुत ही टाइट हो जाते हैं, ये आम तरीके से नहीं बनते। तो इसलिए हमने ग्राइंडर का प्रयोग किया है। ग्राइंडर के प्रयोग से आप देख पा रहे हैं किस तरह पीस पीस में इनकी डील निकल रही है। जो ये धोला बुरादहा निकल रहा है, यही डील होती है। दोस्तों, जिस पशु के पैरों में डील हो जाती है वो पशु प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पा सकता। क्यों? एक पैर को कभी उठाएगा, कभी दूसरे पैर को उठाएगा। क्यों? इनमें जलन होती है, पैर गर्म होने लग जाते हैं और ये अंदर से सड़न पैदा करके पशु के खुर में मवाद पैदा कर देते हैं, जिससे पशु बेचैन रहता है। हर वक्त वो टेंशन में ही रहता है कि मैं किस तरीके से अच्छे से खड़ा हो पाऊँ। तो पशु की इस टेंशन के कारण ही पशु अपना दूध का प्रोडक्शन है वो भी कम कर देता है। जो ताज़ा ब्याई भैंस है या बाकड़ी हो चुकी है वो दूध बहुत कम देते हैं भाई, जिनके पशुओं के पैरों में डील बन जाती है। तो दोस्तों, सभी से यही कहना चाहूँगा, आप अपने पशुओं को अच्छे ढंग से रखें और किसी से भी अपने खुर बनवाएं ताकि इनके पैरों में डील ना बने और ये चलने में असमर्थ ना हो। इसलिए आप अपने पशुओं को अच्छे ढंग से रखें और इनके सींग न गड़ने दे, सिर में खुर न बदने दे, समय पर हेयर कटिंग करवाएं ताकि चीचड़ शोरी ढेरे जुए ना हो। इससे पशु विचलित होता है और परेशानी में आप सभी समझते हैं कि वो न खा पाएगा ना पी पाएगा। इसलिए मैं आपसे सभी से कहता हूं कि वे अपने पशुओं का प्रॉपरली अच्छे ढंग से ध्यान रखें। और दोस्तों, कोई खुर बनाने में कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और जो दोस्त हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और हम आपकी सेवा में तत्पर लगे रहें। धन्यवाद।